दोस्तों सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन जिससे आप पा सके मेडिसिन अपडेट सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन, जिसका एकमात्र उद्देश्य है सभी को मेडिकल लिटरेट करना। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेडिटॉक की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे दवा पेंटाप्राजोल के बारे में। पेंटाप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा है जो पेट के एसिड सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। ये टेबलेट, कैप्सूल और ग्रेनुल तीनों फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है और इसकी जो स्ट्रेंथ है 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम आती है। और पेंटाप्राजोल की जो ब्रांड्स है वो एरिया के हिसाब से अलग अलग रहती है। जो फ्रीली अवेलेबल मार्केट में ब्रांड्स है वो पेंटोप है, पेन प्लस है, पेंटोसिड है, पेंटाकाइंड है, पेंटागोन है और पेंटो डेक है। इनके अलावा भी खूब सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अब फ्रेंड्स, पेंटाप्राजोल के यूज़ के बारे में सीखने से पहले हम बात करते हैं किन किन पेशेंट को पेंटाप्राजोल दवा नहीं दी जा सकती है। यदि कोई पेशेंट पेंटाप्राजोल से एलर्जिक है या इस ग्रुप की दवा से एलर्जी है जैसे ओमेप्राजोल या लेंसाप्राजोल, तो उन्हें पेंटाप्राजोल दवा नहीं दी जाती है। और किसी पेशेंट को लीवर की डिजीज़ है तो उसे भी पेंटाप्राजोल नहीं दी जाएगी। और साथ ही कुछ दवाइयां ऐसी है जिसके साथ पेंटाप्राजोल इंटरेक्ट करता है, तो उन ग्रुप की दवाइयों के साथ पेंटाप्राजोल नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं पेंटाप्राजोल के यूज़ की। इसका जो प्रयोग है पेट और आहार नाल से जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में किया जाता है। पेट में यदि गैस बनने के कारण आपको चेस्ट में पेन हो रहा है या चेस्ट में जलन हो रही है और साथ ही कुछ निगलने में परेशानी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पेंटाप्राजोल का प्रयोग किया जाता है। पेंटाप्राजोल पेट में बनी हुई जो गैस है उसको कम करता है और इसका प्रयोग पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, इसोफेगस अल्सर को ट्रीट करने के लिए भी किया जा सकता है। कई बार डॉक्टर द्वारा ऐसी पेनकिलर्स लिखी जाती है जिसको लेने के कारण हमें पेट में गैस बनती है, उसके साथ भी पेंटाप्राजोल का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं पेंटाप्राजोल के डोज की, इसकी डोज क्या रहनी चाहिए। इसकी जो डोज है अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रहती है, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे सिर्फ GERD की डोज के बारे में सीखेंगे। GERD मतलब हार्ट बर्न होता है, गैस के कारण आपके छाती में दर्द होना। इसके लिए एडल्ट की जो डोज है 40 मिलीग्राम पेंटाप्राजोल दिन में एक बार दी जाती है और इसे 8 हफ्ते तक चलाया जाता है। और पेंटाप्राजोल की जो मैक्सिमम डोज है जो 240 मिलीग्राम पर डे से होती है। यदि आपने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से पेंटाप्राजोल केमिस्ट शॉप से खरीद के खा रहे हैं तो उसे 14 दिन से ज़्यादा नहीं लें। अगर उसे ज़्यादा ज़रूरत है तो डॉक्टर को दिखा के ही लें। और चाइल्ड में जो इसकी डोज है वो एज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 5 साल से छोटे बच्चों को कभी नहीं देनी चाहिए। और अगर बच्चा 20 किलोग्राम से ज़्यादा है और 40 किलोग्राम तक का है तो उसे 20 मिलीग्राम पेंटाप्राजोल दिन में एक बार दे सकते हैं। और अगर बच्चा 40 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसे 40 मिलीग्राम पेंटाप्राजोल दी जाती है। और मेरी एक सलाह है दोस्तों, बच्चों को कभी भी खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, डॉक्टर को दिखाएं और बाद में उसे दवा दें। जब पेंटाप्राजोल की डोज लेते हैं फ्रेंड्स, तो गलती से कभी ओवरडोज हो जाए, ज़्यादा दवाई ले लें तो उससे भी काफ़ी परेशान हो सकती है। जैसे आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, इसे ओवरडोज इफेक्ट कहते हैं, सांस लेने में आपको परेशानी होगी। और लॉन्ग टर्म जब इसका यूज करते हैं तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी रहने का खतरा बना रहता है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं पेंटाप्राजोल के साइड इफेक्ट की। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें हेडेक मतलब सरदर्द है, दस्त, डायहेरिया है, वोमिटिंग है। और जो इसके सीरियस रेयर साइड इफेक्ट्स हैं उसमें है स्किन पे रेडनेस हो जाता है, पूरी स्किन पे इचिंग शुरू हो जाती है, गले में और चेहरे पर सूजन सी आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। अब और फ्रेंड्स, ये जो प्रेग्नेंट वुमन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है इन्हें पेंटाप्राजोल दी जाती है, लेकिन हर पेशेंट के लिए हर दवा अलग अलग यूज होती है, अलग अलग इफेक्ट करती है। तो बिना डॉक्टर को बताए पेंटाप्राजोल जो प्रेग्नेंट वुमन है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उन्हें कभी भी नहीं दें। दोस्तों ये पेंटाप्राजोल के बारे में इंट्रोडक्शन था, उम्मीद है आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आप थे मोहित आदीज के साथ।